ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर जनपद में ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटवाने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि ग्रामीणों, पुलिस व राजस्व कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में एक दरोगा व लेखपाल घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस झड़प में कई ग्रामीणों के भी घायल हो गए। इस दौरान ग्राम समाज की जमीन पर बने छप्पर में भी आगजनी हुई। सूचना मिलने पर SDM व CO फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मामला सहारनपुर जनपद में कोतवाली बेहट इलाके के रोहलका गांव की घटना है। सहारनपुर जनपद के थाना बेहट क्षेत्र के रोहलका गांव ग्राम समाज की खसरा नंबर 69 जमीन पर जो रास्ते का है पर अवैध कब्जों किए जाने की शिकायत तहसील दिवस में कल मिली थी, जिसके बाद आज राजस्व की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जा हटाने का प्रयास किया तो ग्रामीण और कब्जाधारी आमने सामने आ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने कब्जा मुक्त कराने आई टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें लेखपाल और पुलिस का एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, इस दौरान जो गैर रिहायशी इलाका है बने छप्पर पर आगजनी भी हो गई। सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी और CO फोर्स मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नियंत्रण किया और घायलों को स्थानीय चिकित्सालय भिजवाया। फिलहाल गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। क्या मामला? कल तहसील दिवस में एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था कि खतरा नंबर 69 मिनजुमला में जो रास्ते का नंबर है उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। उस अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने हैं तो आज राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम आई। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान टीम पर हमला किया गया और अतिक्रमण अधिकारियों द्वारा स्वयं ही अपने छप्पर में गैर रिहायशी जो थे उसमें आग लगा ली गई, जिसमें हमारे क्षेत्रीय लेखपाल श्री नरेश कुमार के सिर में चोट आई है, गंभीर चोट है, और पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर को भी हाथ में चोट आई है। जो भी जांच करके जो भी सुसंगत विधिक कार्रवाई होगी और शासकीय कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आई और मार धाड़ करी, डंडा तोड़ा, जय दिव्या बढ़ा रहे और जय दिव्या बढ़ा रहे। हमारे घर में आग वाला थी, रोटी खा रही थी, पीछे तो आग लगा दी, पुलिस वालों लग रही है पटवारी और प्रधान पटवारी जी वहाँ इनकी पत्नी है। आपकी पत्नी क्या नाम है उनका? बाला देवी। बाला देवी, क्या मामला हुआ? मामले अजीत क्या कहे, पहले इन्होंने क्या कहे, मुसलमानों ने हमारे साथ पहले लाठी चार्जिंग करवाई, पहले इबिता क्या कहे 5-4 दिन पहले एक बुजुर्ग आदमी को पकड़ के खींचे गया और उसे उसका बेचारे का मुंह कटवाया और पुलिस वालों ने डंडे मारे, उसका ठोकरा मारी और आज भेरी करी ना लेडीज के साथ भी डंडे मारने की कोशिश। क्या मामला, क्या पूरा और मुरा मामला है? अजीत जमीन है हमारी, हम कम से कम 2 से 2.5 साल से ना पड़े और इन्होंने कहते किसी गांव वाले को पूछ लो, किसी बुजुर्ग को पूछ लो, ये हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई भी। आज हुआ क्या है? आज अजीत लाठी चार्जिंग करी ना, किसने की तोड़ फोड़ करी, किसने पुलिस वाले थे और क्या कहे वो लेखपाल था, क्या कहे लेखपाल था ना, पटवारी ना थी और क्या कहेंगे नूर हसन के प्रधान के सारे जाकर देंगे नूरे नारे के, इन्होंने तोड़फोड़ मचवा आज कब्जा हटवा रहे थे जी, कब्जा मतलब हाँ। आप यह जमीन किसी और की बता रहे हैं? हाँ जी, आप रह रहे थे, मतलब उनका मानना है कि किसी और की जमीन है, आप यहाँ रह रहे हैं, अपना कब्जा करना चाह रहे हैं, आज कब्जा हटवाने के लिए ये अपना कब्जा करना चाह रहे हैं ना। आज फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर बस्ती पड़ी हुई आग किसने लगाई है? मुसलमानों में क्या में थे ना जी, पुलिस वालों ने लगवाई, कितने लोग आए, कितने लोग घायल हैं? नाजी जी वो अपनी मरी बुढ़िया और नाजी जो भी लौंडा भाग कर रहा है उसके दो डंडे पूरे बजा रखे, डंडे कौन कौन से लौंडे नाजी, जिसका भी पीछे भाग रहे डंडा चार्जिंग कर रहे।